नमस्कार, एनपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश तोनी। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस आयोजन में मौजूद रहे शासकीय सेवक। आदर्श आचरण संहिता वाले क्षेत्र के शासकीय समारोह में ध्वजारोहण नहीं कर सकेंगे जनप्रतिनिधि। और अब खबरें विस्तार से। उद्योग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार योजना से लाभान्वित करने के उद्देश्य से सेमिनार किया जा रहा है। टीटी नगर स्टेडियम में शुक्रवार 23 जनवरी को सुबह 11 बजे आयुक्त उद्योग वीएल कांताराव सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। सेमिनार में संचालक खेल एवं युवा कल्याण उपेंद्र जैन, बैंकर्स उद्योग विभाग एवं उद्यमिता विभाग केंद्र के अधिकारी युवाओं को मार्गदर्शन देंगे। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन तथा नौ नगरीय निकाय के लिए निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने से 26 जनवरी 2015 गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। शासन और शासकीय संस्थाओं द्वारा आयोजित समारोह में त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ध्वजारोहण नहीं किया जाएगा। जिन नगरीय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां उस नगर की वर्तमान निकाय के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा शासन और शासकीय संस्थाओं द्वारा आयोजित समारोह में ध्वजारोहण नहीं किया जाएगा। ध्वजारोहण समारोह में आदर्श आचरण संहिता का पालन किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर लाल परेड मैदान में होने वाले समारोह में शासकीय सेवक की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शासकीय विभाग ने कहा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त विभाग अध्यक्ष और विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव आदि को इसके लिए पत्र भेजकर अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित करने को कहा है। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भोपाल स्थित शासकीय भवनों पर किया जाने वाला ध्वजारोहण 26 जनवरी को सुबह 9 बजे से पहले कर लिया जाए। इससे अधिकारी कर्मचारी लाल परेड मैदान पर आयोजित मुख्य समारोह में उपस्थित हो सकेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मध्य प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां होंगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के एक दिन पूर्व 24 जनवरी को सभी शासकीय विभाग, कार्यालय और शैक्षणिक संस्था में शपथ दिलवाए जाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन रविवार होने से 24 जनवरी को शपथ के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विशेष रूप से युवाओं को गतिविधियों में शामिल करने को कहा गया है। आयोग ने विद्यालय और महाविद्यालयों के अलावा रेलवे को भी प्रचार प्रसार में भागीदार बनाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए MSTV के साथ। नमस्कार।